माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, ठीक है। अब ये इसका क्या है, ये इसका रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट है। अब इस रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को अपने डायरेक्ट तरीके से करें जो हमें अभी तक आता है, तो ये मेरा नंबर है, ठीक है। इसका रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका क्या है, हम लीस्ट से शुरू करेंगे, मोस्ट की तरफ जाएंगे, पहले जीरो एज इट इज लिख देंगे, पहला वन भी एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद बिट्स को कन्वर्ट कर देंगे, दोनों आंसर्स को चेक। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो बाइनरी में जो पहले नंबर आया है ना, इधर ये एन कैपिटल एन जो नंबर है जी, ये वाला वो, हाँ उसको हम उसमें बेस्ट एन में कन्वर्ट करके 32 से माइनस करके उसको नहीं, हम चेंज कर बेसिकली ये जो सारे हमने बुक में, आपने पता क्या किया हुआ है, बुक ने क्या किया हुआ है कि बुक ने पहले आपको डिमिनिश रेडिक्स पढ़ाया हुआ है, फिर आपको रेडिक्स पढ़ाया हुआ है, और फिर उसको बताया कि हम इसको क्यों यूज करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए, तो हमें वो चीज पहले कर ली है। लेकिन क्योंकि बुक का टॉपिक है तो मैं आपको ये बता दूं कि बुक किसको रेडिक्स कह रही है, किसको डिमिनिश रेडिक्स कह रही है, और फिर आखिर में ये बताऊंगा कि इन दोनों को यूज करके वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई? Yes, तो पहले मुझे ये कंटेंट पढ़ाना जरूरी है कि डिमिनिश क्या है और एडिक्स क्या है। yes, तो लेकिन मकसद वही है कि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं यूजिंग एडिशन, ठीक है, या हम टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। तो यहां पर उस टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को दो और अलग नाम या किसी और नाम से पुकारा गया, एक रेडिक्स और एक डिमिनिश। बात हुई, हम इवेंचुअली जा रहे उसी तरफ, यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज, इसको इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है कि जो हम रेडिक्स निकाल रहे हैं इसने हमें डिमिनिश रेडिक्स पहले पढ़ा है। आप क्या करें कि किसी भी नंबर का डिमिनिश रेडिक्स लेके उसके साथ वन एड कर दें। यस सर, आप किसी भी नंबर का डिमिनिश रेडिक्स लेकर उसके साथ वन एड कर दें। डिमिनिश रेडिक्स क्या है, डिमिनिश माइनस वन, उसमें बाद वन, या इसके फॉर्मूला को सिंपल देख लें, ये फॉर्मूला है ना, ये मेरा आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर मैं इसके साथ, अगर ये सारा का सारी चीज है, इस सारी की सारी चीज के साथ मैं प्लस वन कर दूं, तो मेरी ये चीज बननी चाहिए। यस सर, मेरी बात समझ आ गई? ये इस फॉर्मूले को आप सिंपल, फिर से हम वो मैथमेटिक्स में एक टिपिकल कर देना, ये काम करते हैं ना हम। और अगर इस माइनस वन को मैं इसके साथ लिख दूं, वही छह बन गए। yes, ये चीज क्या है मेरा, ये वाला। तो इसका मतलब अगर वापस देखें, हमने यहां पर कहीं डिमिनिश निकाला था ना, ये चीज हमने निकाली है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं प्लस वन कर दूं, तो मेरा क्या बन गया, रेडिक्स, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, यहां पे हमने अभी कहीं निकाला था, ये चीज बनता होगा। मेरी बात समझ आ गई? अब ये आंसर आया ना 73 का, ये 26 आता है, इसके साथ प्लस वन कर दें, 27 आ गया। ये इस तरीके से करें, या अगर आप इसको कहते हैं तो चेक करते हैं, तो इस तरीके से चेक कर लेते हैं, इस तरीके से चेक कर लें। यस सर, चेक कर लेते हैं। हमने कहां से शुरू किया था, 73 है। yes. इसका मैं रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 रेज़ टू पावर 2 माइनस 73, 100 माइनस 73, तो आप देख लें, बेशक उस नेक्स्ट वाले को भी निकालना था। yes, तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये आसान है। देखिए डिमिनिश रेडिक्स लेने का भी मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहता है कि यहां पर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहता है कि 9 7 8 7 6 5 बेस 10 में है, और मुझे इसका डिमिनिश रेडिक्स चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए, डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। एक तरीका तो ये कि मैं बैठ के फॉर्मूला में उसको डालना शुरू करूं, लंबा तरीका, लगे रहेंगे फॉर्मूला में डालेंगे, कहीं भी गलती की, पावर कन्वर्ट करने में गलती गया काम। दूसरा आसान तरीका क्या है कि आप 9 9 9, 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 9 लिखे। यस सर, और इसे 7 8 7 6 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यहां पर क्या आएगा, 4 3 3 2 1 2। ये इसका सिंपल क्या है, डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या है, डिमिनिश। बेशक ट्राई कर ले, फॉर्मूला से डाल के ट्राई कर। यस,
बस में जाएगी, ये किसका क्या है, डिमिनिश रेडिक्स, आसान है ठीक है, और उसको रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 2 1 2 3 5, तो इतना लंबे फॉर्मूलों में जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट तरीके से मेरी बात समझ आ गई। अब आप आपके जहन में कोई क्वेश्चन है कि किसी और नंबर सिस्टम का बनता है तो बता दें, उसका लेकर आपको। अब ये देखिए, आप किसी भी बेस नंबर सिस्टम में यूज कर सकते हैं, आप इसको एज ए केवमैन नंबर सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाइए कि ये केवमैन नंबर सिस्टम का नंबर है, इसका रेडिक्स और डेमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो बस डिमिनिश रेडिक्स लेने का तरीका क्या है कि आप उसको 4 4 4 से माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ प्लस 1 कर दें तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा ठीक है। अगर आपको कोई भी, जैसे आपने उस दिन ट्राई किया था आपके आईडी का नंबर सिस्टम, बेस 3 या बेस 2 नंबर सिस्टम या बेस 3 नंबर सिस्टम ने बनाया था, आपको वो दे दिया जाता है, वो कहा जाता है इसका डिमिनिश, और डिमिनिश आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट तरीका भी आपके पास आ गया। यहां तक किसी को कोई इश्यू है? नो सर। आसान है, ये रब कर दूं बोर्ड, ये चलिए इस बोर्ड को रब नहीं करते, वो चीज रहने देते हैं, ये साइड रब कर देते हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी मुझसे रह गई है, बुक में उसका इतना जिक्र नहीं है, बुक में किसी और तरीके से कराएगा। ये तो हम जो भी नंबर करेंगे हम इंटीजर नंबर्स का करेंगे, हम जो भी कर रहे थे क्या कर रहे थे, इंटीजर नंबर्स का। व्हाट अबाउट फ्रैक्शंस? अगर फ्रैक्शंस आ गए, ये आ गए और आप कहा जाता है इसका डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बुक में बड़ा मुश्किल सा फॉर्मूला है, इस तरह का कुछ फॉर्मूला, मुझे बल्कि कंफर्म कर देता हूँ, ये बुक में आपके रफली कुछ इस तरह का फॉर्मूला, ये बुक में ये नोट्स में कुछ इस तरह का फॉर्मूला लिखा हूं, ये काम करें। एन क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। एम क्या है? कि रेडिक्स के बाद कितने नंबर्स हैं, ठीक है, और फिर माइनस, सॉरी मैंने सेवन लिखा है, माइनस टेन, वो नंबर माइनस कर, ठीक है। इसको एक मिनट देखिए, मैं फिर से बताता हूं, ये जो n है नंबर ऑफ डिजिट्स, उसी तरह इन फ्रैक्शन, नंबर ऑफ डिजिट्स इन फ्रैक्शन, ठीक है। ये n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन फ्रैक्शन, ये याद रखते हैं, ठीक है, सॉरी फ्रैक्शन, नंबर ऑफ डिजिट्स इन फ्रैक्शन क्या है, इसको क्या कहते हैं, होल नंबर, नंबर ऑफ डिजिट्स इन होल नंबर। एक ये जो n है, m आपका बेसिकली है, बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन फ्रैक्शन, ठीक है। एन आपका वही नॉर्मल वाला, वही पुराना वाला एन है, एन कोई नई चीज नहीं है, एन वही पुरानी वाली चीज है, ठीक है। ये एन इसमें नई चीज है, एन क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन फ्रैक्शन। अब इसको करना कैसे है, इसको गौर से देखें, यहां पर ये बेस 10 नंबर है, तो बेस 10 रेडिक्स उसी तरह डाल रहा हूं, माइनस बेस 10, ठीक है, माइनस नंबर, ठीक है। अब गौर से देखें, यहां पे कुछ नहीं है, तो क्या एक डिजिट तो है ना, ये जीरो तो हम लगाते हैं ना, yes, तो यहां पे इसको 10 रिस्ट पावर 1 लिख, यहां पे क्या लिख दें, 10 रिस्ट पावर 1। एम में देखें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3, माइनस साइन नहीं भूलना, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब आप इसको देखें, ये तो सिंपली 1 बन गया, 10 इस पावर, सॉरी 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 नहीं, यहां पे ये n को आपने सॉरी 0 लेना है, n को क्या लेना है, कोई डिजिट नहीं है तो क्या है, 0 डिजिट्स हैं, कोई डिजिट नहीं है तो क्या है, 0 डिजिट है। तो यहां पे जब आप 10 रेस टू पावर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इसको देखें, ये अब 10, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या आप इसको उस लिख दें, अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है, ये कितने जीरो आएंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 0.732। अब इस सारे को सब्ट्रैक्ट करें, देखिए क्या आंसर आता है, जीरो पॉइंट
जीरो कम है, आप देखिए एक जीरो कम है, इसको चेक कर लें, इसको ऐसे इस कैलकुलेटर में डालने आपको 0.267 समझ आ गया। ये इसका डिमिनिश रेट एक्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला मुश्किल है ना, भूल जाएगा। इसका आसान तरीका बता, इसका आसान तरीका क्या है कि वो कहता है कि जब भी आपने किसी नंबर का अगर फ्रैक्शन आ गई है उसका डिमिनिश रेट एक्स कॉम्प्लीमेंट लेना है तो फ्रैक्शन को रिमूव, पॉइंट को रिमूव कर दे, क्या करें रेडिक्स पॉइंट को रिमूव कर दें, भूल जाए उसको भी कोई रेडिक्स पॉइंट था, ये रेडिक्स पॉइंट रिमूव कर दें, ठीक है। चलिए इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, ये 0.7632 है, रेडिक्स पॉइंट रिमूव कर दें, ये चीज बन गई, और इस चीज को लें और सिंपल 999 से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। ये चीज लें उसको 999 से क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 7 6 2। अब देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, थ्री मैच करने सही टू हो गया सर, मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अब एक बाइनरी में ट्राई कर लें, मुझे खुद भी आइडिया नहीं, टू बी वेरी अपफ्रंट बाइनरी में मुझे खुद भी आइडिया नहीं, बस मुझे ट्राई कर लें, कोई नुकसान नहीं सर जी। सर यहाँ पर जीरो था जो आपने कहा था कि नंबर ऑफ होल नंबर, तो अगर यहाँ पर वन होता तब हम हाँ अगर वन होता तो फिर उसको आप टेन रुपा वन लिखते कर लेते हैं, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं सही। ये मैंने ट्राई किया वैसे मैंने यहां पर इसको 25.25 है, फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं यही होगा अब, ठीक है ठीक है। इसके बाद एक और डिजिट डाल देते हैं, यहां पर करेंगे हम माइनस थ्री ठीक है, माइनस अब ये तो डायरेक्ट 100 बन जाएगा, इसको जरा चेक कर लें मेरी पिच मैथमेटिक्स में 1.00 कितना होगा 0.001 होगा कि 3 होंगे कि 2 होंगे 1000 होगा नीचे 2000 होगा 1000 होगा सर नीचे 1000 होगा नीचे 1000 सॉरी हां नीचे 1000 होगा कैमरे के साथ क्या बोल रहे हैं नहीं भूला नहीं हूं मेरी मैथमेटिक्स में मुझसे चीज भूल जाती है ठीक है और माइनस 25 पॉइंट कैमरा तो मेरा ही है ना ठीक है ये चीज कर ली और बस आप इसको ऐड करें देखना आंसर क्या आता है फिर इसको दूसरे तरीके से भी ट्राई करें इसकी मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की जिससे ये चीज मुझसे भूल जाती है अच्छा क्या हुआ इसका आंसर क्या आता है ट्राई किए 74.74 ये आता है ठीक है। अब इस तरीके से इसको ट्राई करते हैं जो हमें डायरेक्ट तरीका ढूंढा डायरेक्ट तरीके में हमने क्या करना है हमने क्या करना है पॉइंट को क्या कर देना है इग्नोर कर देना है तो मेरा पॉइंट जो आता है 25 तो मैं इसको लिखूंगा 2525 1 9 9 9 9 9 9 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां पर आपके पास 8 आ जाएगा 7 4 7 4 7 सही कर रहा हूं ना एक मिनट 7 4 7 4 8 आता ठीक है डायरेक्ट यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है ठीक है। अब ये सारी एक्सरसाइज करने का मतलब मकसद क्या था हम वही सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन करें यूजिंग एडिशन हम क्या करें सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन करें यूजिंग एडिशन। अब देखिए इसमें अब दो चीजें फॉर एग्जांपल मैं करता हूं 25 माइनस 4 ठीक है मैं क्या करना चाह रहा हूं 25 माइनस 4 4 इसको क्या कहते हैं ठीक है इसको मैनेजमेंट कहते हैं दूसरे को क्या कहते हैं ठीक है। अब इसका रूल क्या है इसमें बुक में थोड़ा सा मुश्किल तरीके से किया गया मैंने एक जगह से देखा था उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके को किया मैं एक चीज बना लेता हूं इसको देखिए मैं अब कराना चाह रहा हूं अब देखिए मैं कराना चाह रहा हूं सब्ट्रैक्शन यूजिंग डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन यूजिंग डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट इसको थोड़ा सा देखते हैं फ्लो निकाल के फ्लो में गलती ना हो
अब देखिए आप स्टार्ट करें, इसको थोड़ा सा नोट कर लें, इसका एक फ्लो चार्ट है। इसको ऐसे करें कि जो भी आपका सब ट्रेंड है, जो भी आपका सब ट्रेंड है उसको लें और उसका आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट लें। आपका जो भी सब ट्रेंड है, अच्छा पहला स्टेप, सॉरी एक स्टेप मैं भूल गया हूं, पैडिंग करें। पैडिंग क्या है? आपने नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर करने हैं। पैडिंग क्या है? सबसे पहले आपने क्या करना है? पैडिंग करनी है। पैडिंग क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर करें। अब देखिए यहां पे 25 को मैंने कितने डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है? 4 को कितने में किया हुआ है? सिंगल। तो आप 25 को भी 2 डिजिट्स में करें, 4 को भी 2 डिजिट्स में करें, इसको पैडिंग कहते हैं। पहला स्टेप क्या है? आपने क्या करना है? पैडिंग करनी है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि जो भी आपका सब ट्रेंड है इसका आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट ले लें। सब ट्रेंड का क्या ले लें? आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। मुझे तो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट लेना आता ना, और डायरेक्ट तरीका आता है। कैसे करूंगा? मैं 99 लूंगा, बेस 10 है, याद रखिए ये दोनों नंबर क्या है? बेस 10 है। तो 99 लूंगा, उसमें से 04 क्या कर लूंगा? माइनस कर लूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 5। इसका आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट आ गया। यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें? जो भी आपका सब ट्रेंड है उसके साथ जो भी आपका मेनूमेंट है उसको ऐड कर लें। सब ट्रेंड है उसके साथ जो मेनूमेंट है उन दोनों को क्या कर लें? ऐड कर लें। तो हम ये काम करते हैं। 95 है। अब ये देखें, ये जो आर माइनस वन, इसको मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको मैं ऐसे कह लेता हूं, आर माइनस वन ऑफ सबट्रेंड, ठीक है। आर माइनस वन ऑफ सबट्रेंड ले, उसके साथ क्या कर ले? ये जो आपका वो जो मेनुमेंट है उसको ऐड कर लें, ठीक है। अब ये जो ये है मेरे पास 95 आया है, 95 के साथ मैं क्या करता हूं? 25 को ऐड कर लेता हूं, ठीक है। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 5 + 5 1 कैरी, 10 + 2 120। सॉरी इस वन को डिस्कार्ड नहीं करना, सबसे ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब जो भी आपके पास रिजल्ट आया है, अगर उस रिजल्ट में कैरी है, इसको ऐसे कर देते हैं, यहां पर कैरी है, अगर कैरी है यस सर, ठीक है, अगर कैरी है तो जो भी रिजल्ट आया है उसके साथ 1 ऐड कर लें। जो भी रिजल्ट आया, वो जो कैरी आया ना, उस कैरी को वापस ऐड कर लें नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ। यस सर। उसको क्या कर लें? जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसके साथ क्या कर लें? ऐड कर लें। तो 2 + 1 = 21। तो यहां पर जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? 21। चेक कर लें, यही आता है, आती है ना, 25 - 4 = 21। हम बड़ा नंबर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक और चीज देख लें, अगर कैरी नहीं आता तो जो भी रिजल्ट है उसका फिर से आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट लें और उसके साथ नेगेटिव साइन डाल दें और फिर वो आपका रिजल्ट बन जाएगा। मैं एक दो एग्जाम्पल्स इसके ऊपर करता हूं। इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन यूजिंग डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। तेरी बात समझ आ गई? प्रोसीजर याद है? इस प्रोसीजर को बस याद कर लें और इसमें हम ट्राई करते हैं दो एग्जांपल्स को। एक दो एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, देखते हैं काम करती है कि नहीं। कैरी नहीं आया, अगर नो कैरी, अगर से कैरी नहीं आया, यहां पे कैरी आ गया तो ये काम करना है, ठीक है। सिंपल 1 ऐड कर देना है। इसको ऐसे करेंगे, यहां पर ऐसे कर लेते हैं कि सम प्लस 1, ठीक है। अगर कैरी नहीं आया तो उसका वापस आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट लेंगे बस, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या हुआ?
आर माइनस वन के साथ नेगेटिव, आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट लेके जो भी आंसर आता है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दे, ठीक है। एक दो ट्राई करते हैं। से मैं कहता हूं 527 माइनस 15, ठीक है, 527 माइनस 15, या चलें कोई कोई भी नंबर बताता हूं, थोड़ा बड़ा नंबर कर लेते, क्या ख्याल है? यस सर। 78 कर लें। यस, मुश्किल हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ये इस तरह वो कैरी वाले तरीके से मुश्किल है। अब पहला तरीका, पहला स्टेप क्या है? पैडिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ पैडिंग करेंगे, उसको देखते हैं। ये पैडिंग हो गई, फिर हमें इसको लेना है, इसका आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो 9 9 9 माइनस 0 7 8, ये करेंगे, ठीक है। तो इसका आर कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1, यहां पर एक मिनट गलत, ठीक है, 1 2 9, तो यहां पर क्या आ गया? 921, ठीक है। ये स्टेप कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, फिर हमने इसके r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट को इसके साथ क्या करना है? ऐड करना है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? 8 4 1, सॉरी, इसका ये वन आ गया क्योंकि कैरी आया है, क्या गलती की है? ये वन ऐड कर देना ना वापस, तो 9 4 5, चेक करिए ये आता आंसर नहीं, एक मिनट, क्या कर 4 4 9 आता है, 4 5 4 4 6, यहाँ पे देखिए ना, एक मिनट, कहीं गलती की है, सबर सबर सबर, मेरी सही स्टेप में गलती हुई है, जहाँ से आपने मिटाया, तो यहाँ पर 4 1 1, एक मिनट, 4 ये तो ठीक है ना, ठीक है, 7 प्लस 1 8, 4 4 आता है, 14 आएगा, 10 प्लस 1 14, 4 नीचे आ जाएगा, ये अच्छी, ये 1 चला जाएगा, ठीक है, 4 ये 1 कैरी हो गया, ठीक है। हमने ये कैरी क्यों लिया हुआ था ऊपर, इसके साथ ठीक है। अच्छा, इस वन को यहाँ पे लाकर ऐड करें, तो यहाँ पर 9 आ गया, ये 4 आ गया, 4 4 9, अब चेक कर लें, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई, थोड़ा सा स्पेस दिमाग से करना है। अच्छा, कोई और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं, ठीक है, इसको देखें सर, कोई ऐसा करते हैं, मैं वही कर रहा हूँ, वही वाला करो, ठीक है। हम करते हैं 0, ये चलें 56 ठीक है, 56 माइनस 9 8।